ये है सैमसंग का फ्रिज SVS कन्वर्टेबल। तो आइए कन्वर्टेबल के बारे में आपको बताते हैं कैसे करना है। आप यहाँ से इसको ओके करेंगे, ये ओके करेंगे तो ये ब्लिकिंग करेगा फ्रीजर का। तो फ्रीजर का आप यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ये -17, -18, -19 जो है आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, और हाईएस्ट आपका -23 टेम्परेचर है आपका। -23 से आप पावर चिलिंग मोड में जा सकते हैं, ये देखिए पावर चिलिंग का मोड दिखा रहा है यहाँ पर आपका। अगर आपको फ्रीजर को फ्रीज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको राइट साइड को आपको बटन प्रेस करेंगे, देखिए इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसको आप वापस ये 3 डिग्री टेम्परेचर में आ जाएगा, +3 टेम्परेचर आ जाएगा, तो फ्रीजर से फ्रीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप फ्रीज़र को ऑफ़ करना चाहते हो तो आप इसको दोबारा ओके बटन दबाएंगे, ये देखिए इसको प्रेस करेंगे राइट साइड बटन को तो ये ऑफ मोड में आ गया। आइए इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे तो ये आपको ऑफ हो गया। चालू करना हो फिर से दोबारा इसको प्रेस करेंगे, ये ब्लिकिंग कर रहा है, आप इसको लेफ्ट साइड के बटन दबाएंगे, ये फ्रीज आ गया, उसके बाद ये फ्रीजर आ गया, ये नॉर्मल टेम्परेचर बना के यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। ये आपका फ्रीजर का, और नीचे वाला फ्रिज है, फ्रिज का टेम्परेचर कैसे सेट करना दिखा दे रहा हूँ आपको। ये ब्लिकिंग कर रहा है, आप इसको ये वेकेशन मोड राइट साइड को भेज दिया, वेकेशन मोड में ये ऑफ हो जाएगा, तो फ्रिज जो है राइट साइड की तरफ जो फ्रिज है आपका ये डिपार्टमेंट ये ऑफ हो जाएगा आपका। अगर इसको ऑन करना है तो फिर से उसको दोबारा प्रेस करेंगे, नीचे तरफ में आएगा फिर ये ब्लिकिंग करने लगेगा, तो आप इसको लेफ्ट साइड के बटन प्रेस करेंगे। 7, 6 से 7 जो है आपका ठंड का टाइम रहेगा, 5, 4 जो है ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर, 2, 1 जो है ये आपका गर्मी का टेम्परेचर आपका। आइए आपका पावर चिलिंग मोड है आपका, जो मान लीजिए अगर 1 घंटे के अंदर पानी अगर आप ठंडा करना चाहते हैं तो आप पावर चिलिंग मोड में देकर अपना पानी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वाटर को। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, इसको दोबारा मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ले आता हूँ, ये 4 ये हो गया मेरा कंफर्म, ये हो गया। तो ये आपका फ्रिज है और ये आपका फ्रीजर है।